आज हम देखेंगे प्याज का पाउडर, लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर कैसे बनाना है। एक्चुअली ऐसे तो हमें ये सब चीज़ें फ्रेश मिल जाती हैं, लेकिन कई घरों में कुछ लोग प्याज अदरक लहसुन खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते। उस समय आप एक ही सब्जी बनाकर बाद में इस तरीके का पाउडर यूज़ करके बहुत अच्छी सी ग्रेवी दोनों टेस्ट में बना सकते हैं, प्याज वाली भी, बिना अदरक लहसुन प्याज वाली भी। इसके छोड़ ब्रेड में, नान में, इसमें भी आप गार्लिक पाउडर या इस तरीके की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और एक्चुअली आप अपने क्रिएटिविटी से इसका कई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं प्याज अदरक लहसुन का पाउडर कैसे बनाना है। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। प्याज का पाउडर बनाने के लिए मैंने लिया करीब 1.5 किलो प्याज। इसका छिलका निकालकर मैंने इसे धो लिया था और इसके बाद इसे मैंने लंबे लंबे काट लिए थे। आप चाहें तो इसे और बारीक भी काट सकते हैं, क्योंकि जितना बारीक काटेंगे उतना जल्दी ही ये सूख जाएगा। पर अभी गर्मी का सीजन था तो धूप बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इसे लंबे लंबे ही काटे थे। और इसके बाद थालियों में हल्का सा तेल लगाकर मैंने इन सारे प्याज को खोलते हुए उस पर फैला दिया था। बहुत मोटा सा नहीं फैलाया था, पतला पतला चारों तरफ फैला दिया। और इसके बाद इसे हमने कवर करके धूप में रख दिया था। एक दिन के धूप लगने के बाद जैसे प्याज दिख रहा है, और ये 4 दिन सूखने के बाद जो प्याज हमारा इस तरीके से दिख रहा था। 3 से 4 दिन में प्याज बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। देखिए एकदम अच्छे से सूख गया है, कैसी खन खन की आवाज़ भी आ रही है। इसके बाद इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया। आप चाहें तो इसे छान कर एक बार दोबारा और पीस सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि काफ़ी फाइन पाउडर सा हो गया है। और इसके बाद हम देखते हैं लहसुन का पाउडर मैंने कैसे बनाया। ये मैंने लिया है 1 पाव लहसुन, 250 ग्राम लहसुन है। लहसुन का पाउडर बनाने के लिए लहसुन को भी मैंने छील कर अच्छे से धो लिया था और इसे मिक्सी में बिल्कुल एक बार चलाया और बंद कर दिया। उससे लहसुन ग्रेटेड जैसे हो गए थे। और लहसुन को भी मैंने थाली में हल्का सा तेल लगाकर उसके बाद इस पर फैला दिया और इसे भी ढक कर धूप में रख दिया था। लहसुन भी सूखने में 3 से 4 दिन लगे। तो ये है हमारे सूखे हुए लहसुन, इसे भी मैंने मिक्सी में पीस लिया। बहुत आसानी से ये मिक्सी में पीस जाते हैं। तो ये है लहसुन का पाउडर। अदरक भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से किया था। अदरक को भी छील कर धोकर मिक्सी में मैंने उसे एक बार हल्का सा ग्रेट कर लिया था और फिर उसे तेल लगे हुए थाली में अच्छे से फैलाकर धूप में सुखा लिया था और फिर उसे मिक्सी में पीस लिया था। लेकिन अदरक का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि वो मैं पहले ही बना चुकी थी। तो इस तरीके से मैंने प्याज, अदरक और लहसुन सब का पाउडर बना के तैयार कर लिया है और इसे जब जैसी ज़रूरत हो उस तरीके से मैं यूज़ करूँगी। तो ये जो पाउडर बना के रखने का जो तरीका है, ये मैंने अपनी जिठानी शिखा दत्ता से सीखा था और सुनने के बाद मुझे ये इतना अच्छा लगा था कि मैं हमेशा से इसे करने लगी। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, अदरक लहसुन और प्याज का पाउडर बना के रखिए, देखिए आपका कई काम बहुत आसानी से हो जाएगा। एक और ख़ास बात, कभी अगर आपको ऐसा लगे कि आपने सारी तैयारी कर ली और धूप बिल्कुल नहीं है, तो आप इसे हेयर ड्रायर के ब्लोअर से भी सुखा सकते हैं या माइक्रोवेव में भी इसे सुखा सकते हैं। सुखाने के लिए आप माइक्रोवेव, OTG, ब्लोअर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर जो हल्का सा गीलापन रहे तो उसे आप पंखे के नीचे सुखा सकते हैं। पाउडर बनाने के बाद इसे आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए और इन्हें आप 2 से 3 महीने तक बहुत आसानी से ड्राई जगह पर स्टोर करके रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप भी अगर इस तरीके की कोई टेक्निक यूज़ करती हो तो उसे हमसे शेयर कीजिएगा। मेरा चैनल अभी बिल्कुल नया है और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आप एक बार यहाँ विजिट करें तो आपको हर तरह की सॉल्यूशन यहीं पर मिले।
इसलिए मैं कई तरह के टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपकी कोई खास फरमाइश हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।